नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके एग्री टेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आप सभी को एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आपको पीस कर उसका लेप बनाना है। लेप बनाकर आपको अपनी आंखें बंद कर कर आपकी आंखों के ऊपर की पलकों पर उस लेप को लगाना है। फिर आपको धूप की तरफ देखना है और उस जड़ी बूटी से आप ज़मीन के अंदर पानी देख सकते हो। एक ऐसी जड़ी बूटी एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ। एक बार पहले भी मैंने आपको एक जड़ी बूटी के बारे में बताया था, एक बार फिर से मैं आप ऐसी एक जड़ी बूटी को लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस जड़ी बूटी का नाम बता देता हूँ। इस जड़ी बूटी का नाम हमारे क्षेत्र के अंदर है अमरचोटा। ठीक है, मैं आपको वीडियो में आगे इसको हम लेने के लिए जाएंगे। मेरा एक दोस्त है मेरे साथ में, वो इस जड़ी बूटी को जानता है। अभी हम जाएंगे उसको खेत पर लेने के लिए। सारा कुछ प्रोसेस मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे, तो आप इस वीडियो को देखकर इस जड़ी बूटी को समझ सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में इसको किसी अलग नाम से जाना जाता है तो आप उसे भी समझ सकते हैं। मैं आपको क्लियरली उस जड़ी बूटी को ज़मीन से निकाल कर बताऊँगा। तो हमारे क्षेत्र के अंदर इसको अमरचोटा कहा जाता है और ये जड़ी बूटी जो है मंडियों के अंदर लगभग 100 से 200 रुपये किलो के हिसाब से बिकती हैं। बहुत ही काम वाली जड़ी बूटी है। जैसे अगर आपको कई पुरानी चोट हो, अगर आपके शरीर पर वो ठीक नहीं हो रही हो तो इसका लेप लगाया जाता है। बहुत सारे पालतू जानवरों के भी ये बहुत सारी बीमारियों में काम में आती है। लेकिन इस जड़ी बूटी को लेप लगाकर बनाकर आँखों की पलकों पर लगाकर धूप में देखने के बाद जो है बहुत सारे लोगों को इससे पानी का अनुमान भी लगता है। और दोस्तों, मैं जितनी भी ये वीडियो जड़ी बूटी के बारे में और ये सब कुछ बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, हमारे क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई आदमी ऐसा है जो इन जड़ी बूटियों को काम में लेता है। वो मेरे को बात होती है हमारी और जो प्रोसेस वो मेरे को बताता है वही मैं वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे ही मतलब अपने मन से कोई भी वीडियो बना देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि ये आपके ऊपर काम ना कर रही हो, दूसरों के ऊपर काम करती हो, लेकिन जड़ी बूटियां होती हैं, अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग प्रकार से काम करती हैं, अलग अलग प्रकार से ज़मीन के अंदर पानी का अनुमान लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के चलते हैं खेत पर और फिर जो है निकालते हैं उस जड़ी बूटी को, उसका लेप बनाकर आँखों पर लगाते हैं। तो सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें वो जड़ी बूटी मिलने वाली है। सामने आप मेरे दोस्त को देख सकते हैं, इसका नाम रतन है और ये उस जड़ी बूटी को जानता है। और मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ और वो आगे आगे चल रहा है और उस जड़ी बूटी को जो है अब वो यहाँ से खोद कर निकालेगा। यहीं पर वो जड़ी बूटी मौजूद है जिसका नाम है अमरचोटा, जैसे हमारे गाँव की इधर भाषा में अमरचोटा कहा जाता है। आप यहाँ पर इस या बाहर देख सकते हैं, ये सूखी बेल है उसकी। और अभी बारिश का महीना नहीं है, बारिश का टाइम नहीं है तो इसके पत्ते नहीं हैं अभी, लेकिन इसके पास में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर जो है अंदर से जो है नई शाखाएं, नई ब्रांचेज जो है निकल कर बाहर आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी सी ब्रांचेज हैं जो अभी निकल कर बाहर आ रही है। जैसे ही बारिश का महीना आने वाला है ये बाहर निकल रही है। अभी हमको क्या करना है कि इसको खोदना है और अंदर से इसके गांठ को बाहर निकालना है। ये इसकी टहनियाँ हैं जो अंकुरित होकर बाहर निकल रही हैं, लेकिन इससे हमें कोई भी काम नहीं है। हमें अंदर से इसको खुदाई करनी है और इसकी जो गांठ है अंदर उसको बाहर निकालना है। उसी का लेप बनाएंगे हम और उसको आँखों की पलकों पर लगाएंगे और उसी से जो है पानी का अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक वार्निंग के तौर पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस जड़ी बूटी को ट्राई करते हो और इसका लेप बनाकर आँखों की पलकों पर लगाते हो तो सावधानी यहाँ पर आपको पूरी ये बरतनी है कि आँखों की पलकों को अच्छी तरीके से बंद कर लेना है पहले, और फिर इस लेप को आपको सिर्फ पलकों पलकों पर ही लगाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी आँखों को खुला रख दिया और
ये जड़ी बूटी का जो लेप है वो आपके आंखों के अंदर चला जाए और उससे आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सावधानी आपको यही रखना है कि इस लेप को लगाते वक्त आपकी आंखों को पूरी तरीके से बंद रखना है। और एक इसकी निशानी ये भी होती है कि जैसे ही आप इसको लगाओगे आपकी पलकों पर तेज़ जलन होगी। अगर जलन होती है तो आप ये समझ जाएगी ये जड़ी बूटी सही है। अगर जलन नहीं होती है तो हो सकता है आपने कोई दूसरी जड़ी बूटी ढूंढ ली, लेकिन इसको जब आप लगाओगे तो तेज़ जलन होगी, और जलन अगर हो जाती है तो आप समझ जाइए कि जड़ी बूटी वही है। और फिर आप जो है इसको ट्राई कर सकते हो। ये देखिए आप मेरे हाथ में इस वक्त यही वो गांठ है, अंदर से सफ़ेद सफ़ेद निकली हुई है, और ये इसके ऊपर जो है छोटे छोटे जो अभी ब्रांचेस हैं जो अंकुरित हो रही हैं अभी हाथ में देख सकते हैं आप। और इसके पत्ते होते हैं, पतले पतले पत्ते होते हैं और जाड़े आकार के पत्ते होते हैं, तो वो बरसात के दिनों में अंकुरित होते हैं। तो चलिए अब हम इनको जो है अच्छी तरीके से पीस लेते हैं यहाँ पर, और इसका लेप बना देते हैं। हमारे पास यहाँ पर पानी नहीं था, खेत पर हम आए थे, यहाँ पर हमको आसपास पानी नहीं मिला, इसलिए हम जो है इसका जो लेप है वो अच्छी तरीके से नहीं बना पाए। लेकिन आपको इसमें हल्का सा पानी डाल लेना है और फिर आपको इसका अच्छी तरीके से पत्थर पर आप कहीं पर भी इसको पीस कर इस तरीके से आप जो है इसका लेप बना सकते हो, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो यहाँ पर इसका लेप बनाया जा रहा है। अच्छी तरीके से पीसना है आपको, पीसना उसमें थोड़ा पानी डाल लेना है ताकि लेप अच्छा बने, और उसके बाद में आपको अपनी उंगली से लेकर इसको जो है अपनी आँखों की पलकों पर लगाना है, जैसा यहाँ पर ये सामने वीडियो में अभी इसको लगाया जाएगा। और लगाते वक्त ध्यान यही रखना है कि आंखें बंद होनी चाहिए, आंखों को खोलना नहीं है। और जैसे ही आप इसको लगाओगे लगाते ही आपकी आंखों की पलकों पर तेज़ जलन शुरू हो जाएगी। आपकी आंखें काफ़ी उसकी पलकें जो हैं धीरे धीरे फिर आपको जलना शुरू हो जाएगी। जैसे भी कोई आपको मतलब मिर्ची वगैरह आंखों की पलकों पर लग जाती हैं वैसे ही इसके जलन शुरू होगी। लगाते ही 10 सेकंड के अंदर जलन शुरू हो जाएगी। अगर जलन शुरू हो जाती है तो आप समझ जाइए कि जड़ी बूटी सही है, और अगर जलन शुरू नहीं होती है तो समझ जाइए कि जड़ी बूटी कोई दूसरी आ गई है। और उसके बाद आपको लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको धूप की तरफ देखना है, और धूप की तरफ आपको बगैर पलक झपकाए हुए देखना है, और लगभग आधा मिनट 1 मिनट तक आपको जो है देखते रहना है कंटिन्यू। कभी कभी आप पलकें कम कर सकते हो, लगातार तो 1 मिनट तक हम धूप की तरफ देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन हल्की फुल्की आप पलकें बंद कर सकते हो, लेकिन आपको रेगुलरली धूप की तरफ देखना है। उसके बाद जो है अगर ये जड़ी बूटी आपके ऊपर काम करेगी तो आपको जो है ज़मीन में वही तरीका है पानी का, आपको पानी दिखने लग जाएगा, भाप उड़ती हुई दिखाई देगी। और इस जड़ी बूटी को जो है बहुत सारे लोग काम में लेते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।